हाई एवरी वन वेलकम टू सुपीरियर इंग्लिश आज की क्लास में हम डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स सीखेंगे ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन वर्ड्स को डब्ल्यू एच वर्ड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्ड्स डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं इन्हें डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स और डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स दोनों कहते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे मेन नाइन डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं जैसे वॉट वाई वैन वेर खू वेच होज होम इन सारे वर्ड्स में बस एक ही एक्सेप्शन है हाउ बाकी सारे वर्ड्स डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहे हैं सिर्फ हाउ है जो एच से स्टार्ट हो रहा है इन नाइन डब्ल्यू एच वर्ड्स के अलावा भी कुछ डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं जिन्हें फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स कहा जाता है लाइक हाउ मनी हाउ मच हाउ लॉन्ग एट वाट टाइम वाट टाइप ऑफ इस वीडियो में इन नाइन वर्ड्स को डिटेल में विथ मीनिंग विथ एग्जाम्पल समझाया गया है सो यू जस्ट नीड टू वॉच द वीडियो टिल द एंड टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं चैनल ताकि आप कोई भी लेटेस्ट ना करें विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट द क्लास आप सबसे पहले हम डब्ल्यू एच फैमिली का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स का यूज क्वेश्चन यानी कि प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है इंग्लिश में क्वेश्चन आप सिर्फ दो तरीके से पूछ सकते हैं फर्स्ट डब्ल्यू एच वर्ड्स को यूज़ करके और सेकेंड हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया को यूज़ करके सो so, अगर इंग्लिश में आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है तो डब्ल्यू एच वर्ड्स आने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिना डब्ल्यू एच वर्ड्स आए आप किसी से इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे सेंटेंस कैसे बनाएंगे डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड को यूज़ करके सो so, इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले हमारा डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आएगा मतलब प्रश्नवाचक आपका शब्द आएगा फिर आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे मतलब सहायक क्रिया फिर सब्जेक्ट आएगा मतलब करता फिर वर्ब यूज़ करोगे मीन्स क्रिया फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स हैं हमारे वॉट वेन वेयर हाउ हेल्पिंग वर्ब्स हमारे होते हैं वॉज वर् हैज हैव सब्जेक्ट हमारे होते हैं ही शी वी दे वर्ब्स हमारे होते हैं वॉक रन टॉक सिट अगर आपको इंग्लिश में किसी से भी क्वेश्चन पूछना है तो आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स यूज करके ऑब्जेक्ट हमारा होता है जिसपे ये सब्जेक्ट काम करेगा इस सब्जेक्ट का असर जिस पे पड़ेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है अगर आपने हमारी डे देवन की वीडियो नहीं देखी है देन गो एंड प्लीज़ वॉच दैट वीडियो उस वीडियो में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाई गई हैं गो एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है आप जाइए और वीडियो देखिए और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए लेट्स स्टार्ट विद डब्ल्यू एच वर्ड हमारा फर्स्ट वर्ड है वॉट वर्ड को आप हिंदी में बोलते हो क्या और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है पहले आप डब्ल्यू एच वर्ड यूज करोगे मतलब वॉट लिखोगे फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे फिर सब्जेक्ट लगाओगे फिर वर्ब लगाओगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे हमारा फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं आपका क्या नाम है वॉट इज़ योर नेम आप ट्रांसलेशन देखते हैं कैसे हुआ हमारा फर्स्ट हिंदी का वर्ड है आपका आपका को इंग्लिश में बोलते हैं योर क्या मतलब वॉट होता है नाम मतलब नेम और है मतलब इज़ होता है सो so इंग्लिश में हो गया व्हाट इज़ योर नेम सबसे पहले हम व्हाट लगाएंगे डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड है उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमारा है है ना और है को इंग्लिश में इज़ कहते हैं तो इसलिए हमारा यहाँ पे इज आया फिर हम योर और नेम लगाएंगे व्हाट इज़ योर नेम सेकेंड सेंटेंस है तुम क्या करते हो तुम क्या करते हो को इंग्लिश में बोलते हैं वट डू यू डू तुम मतलब यू क्या मतलब वॉट करते हो तो हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम व्हाट से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये भी हमारा क्वेश्चन है तो वॉट डू यू डू थर्ड सेंटेंसेस तुम्हें क्या पसंद आया वॉट डिड यू लाइक फोर्थ वह क्या कह रहा है वॉट इज ही सीइंग तुम क्या खाओगे वॉट विल यू ईट सो ये थे हमारे वाट वर्ड के सेंटेंसेस सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद होना सो so, ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है ना, आप इसे याद कर लेना इसी को यूज करके आप सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे नाउ लेट्स सी सम काइंड ऑफ वाट वर्ड्स फॉर वाट इसको हिंदी में कहते हैं किस लिए दैट्स वॉट यही तो इन वॉट वे किस तरह से ऐट वाट वे किस तरह वाट इन्स और क्या वाट एवर या वाट सो एवर इसको कहते हैं जो कुछ भी वाट दैन तो क्या वॉट काइंड ऑफ किस तरह का ऐट वाट टाइम कितने बजे इन सारे वर्ड्स को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे विथ सेंटेंसेज एंड एक्सरसाइज अभी के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन वर्ड्स को याद करने के लिए सेकेंड डब्ल्यू एच वर्ड इज़ वन वैन को हिंदी में बोलते हैं कब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सेम है बस यहाँ पे वॉट की जगह यहाँ पे आप वैन लगाओगे डब्ल्यू एच वर्ड में सी सेंटेंसेस हम कब खा सकते हैं वैन कैन वी ईट तुमने कब खाना खाया वैन डिड यू ईट मैं आपसे कब मिला वैन डिड आई मेट यू तुम कब पढ़ते हो वैन डू यू स्टडी तुम्हारा जन्मदिन कब है वैन इज़ योर बर्थडे आप देखते हैं वैन के कुछ वर्ड्स Until when, कब तक सिंस when, कब से फ्रॉम when, जब से Whenever, एवर जब कभी कहाँ से थर्ड वर्ड इज़ where, Where को हिंदी में कहते हैं कहाँ इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सेम है बस डब्ल्यू एच वर्ड की जगह आप वेर यूज़ करोगे मेरे पेन कहाँ हैं Where इज़ माई पेन तुम कहाँ रहते हो वेयर डू यू लिव वो कहाँ जाता है वेयर डज ही गो सोनाली कहाँ जा रही है वेयर इज सोनाली गोइंग ये रास्ता कहाँ जाता है वेयर डज दिस रोड गो लेट सी सम वेयर वर्ड्स वेयर एज जब कि फ्रॉम वेयर कहाँ से वेर एवर जहाँ कहीं भी बाय वेयर कहाँ से वेयर एन कहाँ मे बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई वॉन्ट टू गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू वी कंडक्ट लाइव इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन ये सेशन मंडे टू फ्राइडे होता है शाम को आठ बजे आप लोग ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें आप वन ऑन वन टीचर्स के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं इसमें आपको टीचर्स के साथ मैंटरिंग मिलेगी और बहुत कुछ इसे ज्वाइन करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं जिससे आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली बोल पाएंगे इस सेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे सारे डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस स्किल्स दैन डू जॉइन दिस कोर्स दिस टो आर सेशन विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू गाइज इन इवनिंग सेशन नाउ लेट्स सी वाई वाई को आप हिंदी में कहते हो क्यों वो चुप क्यों है Why is he silent? ऐसा क्यों हुआ Why did this happen? उसने ऐसा क्यों कहा Why did he say that? तुम यहाँ क्यों आए Why did you come here? वो बाजार क्यों गया Why did he go to the market? Other why words are why so, ऐसा क्यों Why would, क्यों होता Why have, क्यों है Why do, क्यों करते हो च को हिंदी में कहते हैं कौन सा ये किसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है एग्जाम्पल इज़ ये कौन सा फल है विच फ्रूट इज़ दिस मेरा कौन सा है विच वन इज़ माइन कहाँ पे माए यूज़ करते हैं और कहाँ पे माइन यूज़ करते हैं अगर आपका ये डाउट क्लियर नहीं है तो ऊपर आई बटन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देखिए और अपना डाउट क्लियर कीजिए इस वीडियो में डिटेल में बताया है माइन और माए कहाँ यूज़ करते हैं और इन दोनों में क्या फ़र्क है विथ एग्जाम्पल्स ये डे थर्टीन की वीडियो है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा नेक्स्ट सेंटेंसेस कौन सबसे अच्छा है विच वन इज़ द बेस्ट कौन सा रंग अच्छा है विच कलर इज गुड इनमें से कौन सी आपकी बहन है विच वन ऑफ देम इज़ योर सिस्टर अब विच वर्ड्स देखते हैं विथ विच जिसके साथ टूवर्ड्स विच जिसकी और फ्रॉम विच किस से By विच किसके द्वारा इन विच which, जिसमें, whichever विच एवर जो भी नेक्स्ट वर्ड इज whose इसको इंग्लिश में कहते हैं किसका वो किसके पेन है Whose पेन आर दोज यह किसकी किताब है Whose बुक इज़ दिस वो किसका दोस्त है Whose फ्रेंड इज ही ये किसके पैसे हैं Whose मनी इज़ दिस राजेश किसका बेटा है whose son सन इज राजेश सम words आर from whose? किससे हुज एवर जिस किसी से बाय हुज किसके द्वारा नेक्स्ट वर्ड इज़ हु का हिंदी में मतलब होता है किसका यह किसी इंसान के लिए यूज़ होता है मतलब किसी व्यक्ति के लिए यूज़ होता है जिसे विच हमारा चीज़ों के लिए यूज़ होता था हु हमारा व्यक्ति के लिए यूज़ होता है आप कौन हैं हु आर यू कौन जानता है हु नोज इसे किसने बनाया हु बिल्ड इट इसे किसने तोड़ा हु ब्रोक दिस मैं किसे कॉल कर सकता हूँ हो कैन आई कॉल नाउ लेट्स सी सम काइंड ऑफ हो वर्ड्स हु एवर कोई भी हो विथ होम किसके साथ नेक्स्ट वर्ड इज होम होम को हिंदी में कहते हैं किसका तुमने किससे पूछा होम डिड यू आस्क तुमने कल किसे देखा होम डिड यू सी येस्टे हमें किससे बात करनी चाहिए होम शुड बी टॉक टू आपने अपना बैग किसे दिया होम डिड यू गिव योर बैग आप इस कक्षा में किसे जानते हैं होम डू यू नो इन दिस क्लास सम होम वर्ड्स आर विथ होम किसके साथ अबाउट होम किस बारे में टूवर्ड्स होम किसके प्रति फॉर होम किसके लिए बाय होम किसके द्वारा नेक्स्ट वर्ड इज़ हाउ हाउ का हिंदी में मतलब होता है कैसे वो कैसी है हाउ इज़ शी फिल्म कैसी थी हाउ वज द फिल्म तुमने ये कैसे किया हाउ डिड यू डू दिस तुम मुझे कैसे जानते हो हाउ डू यू नो मी आप काम पर कैसे जाते हैं हाउ डू यू गो टू वर्क सम हाउवर आर हाउ लॉन्ग कितना लंबा हाउ फार कितना दूर हाउ ओल्ड कितना पुराना हाउ गुड कितना अच्छा हाउ सून कितना जल्दी हाउ कम कैसे सो एवरी वन दीज आर योर नाइन मेन डब्ल्यू एच वर्ड्स नाउ लेट सी द एक्सरसाइज आई हैव दीज नाइन क्वेश्चन फॉर यू pause the video and fill the blank with the WH family words जो यहाँ पे appropriate है मैंने hint के लिए आपको हिंदी sentence भी दिया है so हिंदी sentence read करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि blank में कौन सा WH word use करना है so everyone write down the answer in the comment section दिस इज द आंसर शीट यू कैन चेक योर आंसर्स आई होप आप लोगों के सारे आंसर्स सही होंगे सो एवरी वन ये थी आपकी डे फोर्टीन की वीडियो जिसमें हमने नाइन मे इन डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स के बारे में सीखा बाकी वर्ड्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विम दिसन इफ़ यू लाइक द वीडियो दैन प्लीज डू फेर द लाइक बटन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिशन सो यू डोंट मिस ऑन यूडियोज Continue learning English with me on Superior English. I will see you soon with another lesson. Till then, keep learning English. Bye.